पौलिंग गाँव कहा जाता है कि सबसे पुरानी गांव है यहाँ। 11 में से 11 गांव में ये पौलिंग गांव और सबसे बड़ा गांव है इस एरिया का। तो चलिए, ये जो भी हम हिमालय में रहते हैं फ्रेंड, वो घर पक्के बनाए जाते हैं मजबूती है। देख सकते हैं लकड़ी और पत्थर के बीच में, लकड़ी के हर लकड़ी में जोड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको बनाने के दो रीज़न होते हैं। एक तो यहाँ भूकंप ज़्यादा होते हैं और ऊपर से बर्फ ज़्यादा पड़ती है, तो देख सकते हैं ढलानदार छतें बनाई जाती हैं। और पहले के टाइम में देखिए छतों को ढकने के लिए लकड़ी का ही उपयोग होता था। और ये है गांव, जो कि पूरा का पूरा ज़बरदस्त व्यू है फ्रेंड। तो इसी गांव को हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि क्या खूबसूरत गांव है, पीछे पहाड़ी और आगे गांव। और ये ऊपर से लिया हुआ पूरे का पूरा गांव का वीडियो, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल के पहाड़ी। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी मस्त होंगे और सभी अपनी जगह स्वस्थ होंगे। क्योंकि स्वस्थ इसलिए होंगे क्योंकि मौसम आज की डेट में बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। दिन को धूप और शाम के टाइम बारिश, क्या ज़बरदस्त मौसम। गर्मी का फीलिंग नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम ठंडा ही हो रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अभी अभी जो मेरा पहला ब्लॉग आया था देव श्री पशाकोट जी के ऊपर, जो कि मूल स्थल है उसका मराड़ है, वो मराड़ जो है एक किसी न किसी गांव के अधीन तो आता ही होगा। वो गांव है हमारा छोटे बंगाल का पौलिंग गांव। उस गांव की जो ज़मीन है मराड़, वहीं पर ही वो मूल स्थल था। तो चलिए, मैंने सोचा ना क्यों ना आपको मराड़ के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा छोटा बंगाल घाटी का सबसे बड़ा गाँव है पौलिंग, उसको भी एक्सप्लोर करके आपको दिखाई दूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग में आपको मैं जितना हो सके, पूरा तो नहीं कह सकते फ्रेंड कि पूरा ही एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन जितना हो सकता था उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश की है मैंने, जो कि हमारा पौलिंग गांव है। हाँ, वट एक दिन शायद पूरा ब्लॉग आएगा एक्सप्लोरिंग का पूरे गांव का, लेकिन अभी जितना हो सकता था उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, जितना आपने देवता श्री पशाकोट जी मराड़ वाले वीडियो को प्यार दिया है, उतना ही उसके गांव पौलिंग को भी उतना ही प्यार दे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि पहाड़ी वजीर जो देव पशाकोट जी हमारे, उसका गांव भी किस तरह का दिखता है और किस तरह का है, तो सभी को पता चलना चाहिए। तो पशाकोट जी को तो सभी प्यार करते हैं और उसके गाँव को भी प्यार करिए। तो इसलिए चलिए आपको शुरू से ही दिखाता हूँ और बने रहना पूरा ब्लॉग देखना, तभी मज़ा आएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग की कुछ इस तरह से। जैसे ही आप लोहाड़ी से निकलेंगे तो देख सकते हैं सड़क का आपको पक्की मिलेगी और पौलिंग 2 किलोमीटर दूर मिलेगा वहाँ से। तो पूरा का पूरा सड़क के साथ साथ आपको लंबा डग नदी का दर्शन करने को मिल जाएंगे और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में हरे भरे वृक्ष देखने को मिल जाएंगे और सेब के बगीचों को देख सकते हैं। लोकल लोगों ने सेब के बगीचे भी लगाए और कुछ लोग बाहर से आए हुए लोग भी अपनी कमाई कमा रहे हैं। और पानी को देखिए कितना साफ़ सुथरा है और हरियाली तो सभी तरफ ही समेट के दे रखी है कुदरत ने हमें। तो देख सकते हैं हिमाचल में आने के आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपको शुद्ध और साफ हवा मिलेगी और ऊपर से क्लाइमेट यहाँ का एक नंबर ज़बरदस्त मिलेगा। और गाड़ियों को देखिए, टूरिस्ट घूमने वाले यहाँ पर आने में कोई परहेज नहीं करते हैं, जो भी आएगा पौलिंग गांव तक घूम के ही जाएगा फ्रेंड। तो इसी रास्ते से हम आए और आगे छेरना गांव आएगा एक, वहां पर हमें नहीं जाना है। ये नीचे का रास्ता वहां जाने के लिए और ऊपर के रास्ते से हम पौलिंग गांव को जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड, ये खूबसूरत झील, जो कि कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ आया था तो ये व्यू लिया था मैंने, तो काफ़ी खूबसूरत झील है और दिल को मोह लेने वाली है। ये मेगा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जो कि 25 मेगावाट का है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे हम इसी रास्ते से। तो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये झील खाली पड़ी हुई है क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ कुछ टनल की लीकेज की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वजह से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चला हुआ है। तो इसी झील को देख सकते हैं आप, पानी के साथ किस तरह से दिखाई दे रही थी और अभी कैसी है। और ये सड़क, जो कि पूरी की पूरी सड़क आपको पक्की मिल जाएगी पौलिंग तक आने के लिए, तो आप
गाड़ी के साथ भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये सामने छेरना गांव को देख सकते हैं आप, और ये पोलिंग गांव की ऊपर से ली हुई खूबसूरत सी तस्वीर देख सकते हैं। इतना बड़ा गांव है और ये सामने से लिया हुआ, तो हमने सभी तरफ से कोशिश किया दिखाने की। ये पोलिंग गांव का बस स्टैंड, यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, इससे आगे आपको गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और पैदल ही ट्रैक आपको गांव का करना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं गांव की खूबसूरत तस्वीरें, पीछे देख सकते हैं बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों में, और नीचे गांव उसकी तलहटी में बसा हुआ। और ये जो छेरना गांव है सामने फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ ऊपर बड़धारणी माता का मंदिर भी है, इसकी भी वीडियो बनाई है मैंने, देखनी हो आपने तो। ये इस पहाड़ी के ऊपर ही माता बड़धारणी का स्थल है, और नीचे लंबा डग नदी साथ साथ में। और ये देख सकते हैं पोलिंग गांव कहा जाता है कि सबसे पुरानी गांव है यहाँ, 11 में से 11 गांव में ये पोलिंग गांव, और सबसे बड़ा गांव है इस एरिया का। तो चलिए, ये हमारे साथ चले हुए कुछ एक लोग, और ये कुछ एक अलग अलग गांव से चले हुए, देख सकते हैं कि रास्ता ही पूरा भर चुका है। ये गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो चलिए पूरा गांव की सैर भी करवाते हैं और पीछे तक आपको पहुंचाने की कोशिश भी करवाते हैं। सेब के पौधे ये नीचे से देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, और ऊपर कुछ इस तरह के घर। ये आगे का रास्ते का व्यू, और देवदार का पेड़ बीचों बीच। देवदार के पेड़ों की हमारे कहानी है एक फ्रेंड की, जहाँ भी देवी देवता हो वहाँ पर देवदार का पेड़ होगा, ये पता नहीं पहले से क्या कहानी रही होगी। इतनी जगह मैंने देखा है, इतना यही नज़ारा है, ये देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला पोलिंग का ये भवन है, जो कि इस तरह से और काम चला हुआ है। और ये स्कूल की दूसरी बिल्डिंग ऊपर है, जो गेट लगा हुआ है। और ये घरों को देखिए, पुराने और नए घर। हमारे हिमालय शैली से कुछ इस तरह से घर बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी पक्के होते हैं। इन जोड़ों को देखिए, हर एक लकड़ी के बीच में जोड़ और बीच में पत्थर की चिनाई। ये देखिए छत कुछ यूनिक तरीके से बनाई हुई है, बड़े बड़े डोंगों के ऊपर घर बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है। फुटपाथ, जैसे ही फ्रेंड हमने गांव के बीच में घुसना शुरू किया, तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ ही घर ही घर, और बहुत ही पुराने पुराने घर देख सकते हैं, कितने पुराने घर हैं जिन्हें देखने का अपना ही अलग मज़ा है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और बीच बीच में घुसे हुए गलियों गलियों में घर देख सकते हैं, और बीच में लकड़ियाँ रखी हुई है, और हर एक घर दूसरे घर के साथ मिला हुआ है, थोड़ी सी भी जगह आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रही है। तो देख सकते हैं, और ज़्यादातर हिमालयन शैली से बने हुए लकड़ियों के ही घर हैं, ताकि सर्दियों में इनमें ठंड ज़्यादा नहीं होती है, यही कारण है कि लकड़ियों के घर ही बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं ये गांव के बीच का जितना भी रास्ता है वो है, और ये देख सकते हैं ये पुराने पुराने घर बनाए हुए हैं, बहुत ही खतरनाक गलियों को देखिए। एक बार गुम हो जाए बंदा तो दूसरी बार मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो पहली बार यहाँ आया होगा तो। और आजकल नए घर भी बन रहे हैं, देख सकते हैं सीमेंटेड घर जो कि ये आजकल बन रहे हैं, नहीं तो पुराने घर तो ज़्यादातर लकड़ियों के ही बने होते थे, क्योंकि इनमें भी फायदा था कि ये भूकंप में एक साथ गिरते नहीं हैं नीचे, जो कि लकड़ी एक दूसरे को पकड़े रखती हैं, यही फायदा होता था फ्रेंड इन घरों को बनाने के लिए। और जब बर्फ गिरती है तो ये ठंड को भी बाहर की बाहर ही रख छोड़ते हैं, और अंदर की गर्मी को अंदर ही समेट रखते हैं। और ये देख सकते हैं ये लंबा डग नदी के साथ साथ ही हम चले हुए हैं, और ये गांव को देखिए, काफ़ी बड़ा गांव है फ्रेंड। हम तो सीधे सीधे निकले ही हैं रास्ते से, अगर बीच में घूमना पड़े तो बहुत बड़ा गांव है, और बहुत ही प्यारा गांव है, देख सकते हैं कुछ यूनिक ही है फ्रेंड। कभी आए आप तो ज़रूर एक बार पोलिंग विजिट ज़रूर करें। और ये लकड़ियाँ देखिए, सर्दियों का जुगाड़, लकड़ियों से ही ठंड को दूर किया जा सकता है।
तो देख सकते हैं अभी भी काफ़ी ठंड है, लेकिन फिर भी सर्दियों में ज़्यादा ये देख सकते हैं जुगाड़ कैसे बनाया हुआ लकड़ियों को रखने का, ऊपर घर नीचे लकड़ियाँ, और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। यही इस गांव की खास बात है कि एक घर दूसरे घर के साथ ही चिपका हुआ है फ्रेंड। ये बात मुझे काफ़ी इस गांव में देखने को मिली, अन्यथा और गांव में घर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे होते हैं। देख सकते हैं गलियां, देखिए काफ़ी सारी गलियां भूल भुलैया, जैसे कि शिमला आ गए हो, कॉलिंग ना आए हो, शिमला आ गए हो। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जैसे कि और वीडियो में देते हैं, और बने रहिए है।